अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर पल जियो का ड्रामा सीरियल बेलेगम जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब फहद कहता है अब रमशा से कि तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुमने अपनी मोहब्बत को पा लिया और रिलीजे को शिकस्त दे दी, मैं तो तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ कि तुमने जो भी कुछ किया किस तरीके से और कितनी सफाई से कर दिया। यह बात सुनकर कहती है अब रमशा की बेहतरी है कि आप यहाँ से चल जाएँ, मुझे नहीं आपसे कोई बात करनी है और न ही आपकी शक्ल देखनी है, आपने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया। यह बात सुनकर कहते हैं फहद के एक तरफ से तुम्हारा फ़ायदा ही हुआ ना, देखो ना तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई जिसे तुम पाना चाहती थी, जिसके तुमने सब कुछ खो दिया, अभी भी तुम उससे पा चुकी हो। मैं तो तुम्हें तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देने के लिए आया था कि बहुत जल्द मामू जान ने तुम्हारी और फनान की शादी की डेट फिक्स कर दिया ना, और रिलीजी बेचारी कहीं की नहीं रही। ये बात सुनकर कहती है अब रमशा की कैसी बातें करें आप, तो कहता है फहद की मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, जैसे कि मैंने सुना मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ और मुझे बोला कुछ भी छुपाने या झूठ बोलने की क्या जरूरत है, ये सब कुछ करके मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी तो नहीं मिलेगा ना, और मुझे फ़िलहाल तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए आया था और इसके अलावा कुछ नहीं। यह बात सुनकर कहती है अब रमशा के अब आपने मुझे मुबारकबाद दे दी है ना, तो अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तो कहता है अफनान के बारे में फ़हद के वो बहुत अच्छा, इंशाल्लाह तुम्हारे साथ अच्छा सलूक ही करेगा, उम्मीद तो ये है, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो रमशा कहती कि मुझे आपकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं, आपको लगा भी कैसे कि मैं आपकी बात पर यकीन करूँगी, फिर तो ये कि आप यहाँ से चल जाएँ क्योंकि मुझे आपसे इस किस्म की कोई बात नहीं करनी, बल्कि किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करनी, आप दूर हो जाएँ मेरी नज़रों से, वैसे भी मुझे नफरत है आपसे और आप जैसे लोगों से, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। सब कुछ देखेंगे आप आने वाले एपिसोड में। वीडियो शेयर करें तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।